चोरों ने भाजपा नेता के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने घर में रखी लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी पार कर दी। सुबह सामान बिखरा देखकर परिजनों को चोरी होने की जानकारी हो सकी। चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले गेट को दुपट्टे से बांध दिया था। सूचना पर पहुंची सीओ सदर व फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की है। सदर कोतवाली के जलालपुर चौकी क्षेत्र के इनायतपुर गांव में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला मंत्री इबादुल खां अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह परिवार के साथ रात को मकान के बाहरी हिस्से में सो रहे थे। चोरों ने मकान के पीछे से छत के रास्ते से घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। मामले में परिजनों की माने तो चोरों ने बक्से में रखे लाखों रुपए के जेवरात व 2.5 लाख रुपए की नकदी के साथ करीब 10 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद चोर छत से चढ़कर भाग निकले। सुबह होने पर पीड़ित की मां परवीन ने सामान बिखरा देखा, तब परिजनों को चोरी होने की जानकारी हो सकी। इसी गांव में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए। बाद में फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्यों को एकत्र किया गया। जी, हम लोग असल में बाहर सब लोग लेटे हुए थे और हमारे कमरे में जिसमें हम लेटे हुए थे उसमें जाके वही कपड़ा फाड़ के हत्ते में लगा दिया। हालांकि हत्ते में मान के सुबह जब माँ बाप हमारे सब रोने पीटने लगे सब लोग, तो हमें मालूम हुआ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ और हमारे यहाँ हर चीज़ अंदर, मतलब शादी करनी थी बहन की, शादी के लिए सब माल जेवर तैयार किया था। सब कुछ लगभग 12-13 लाख का माल जेवर था, उसमें पैसे भी कुछ हमारे थे, लगभग करीबन 2 लाख के करीब में पैसे ऐसे थे। सारी चीज़ें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो झाल के ना देखी, हर सारी चीज़ें उसने मतलब कवर की। रात में सोए गए थे 12 बजे करीब, 12 बजे सोए गए मेरे काम करे। बात बताओ, रोई काहे में? जेवर था हमारा, जेवर था, रफ्तारी का सामान था, अन्ना ने 12 लाख का माल थोड़ा, अन्ना ने मोटरसाइकिल पे के का पैसा था, धान का पैसा था, अन्ना। बीती रात को इनायतपुर गांव में एक व्यक्ति के घर चोरी की बात आई है, जिसमें से प्रकरण वहां फोरेंसिक टीम भी भेजी गई थी। जो मौके पर जांच पड़ताल की गई है उससे पाया जा रहा है कि चोर जो आए थे उनके पीछे की दीवार से आए हुए थे और वो आगे के कमरे में सो रहे थे। चोरी की घटना हुई है, जिसपे उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है। अब उनके द्वारा कहना है कि हमारे यहाँ शादी थी, कुछ सामान रखा हुआ था खरीद करके, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत करा दिया जा रहा है।